दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे CNC वीडियो चैनल पर जिसका नाम है MacTech12। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि CNC मशीन पर कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट क्या है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। उसी तरह से आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि CNC मशीन में कैन साइकिल क्या है, उसका उपयोग हमें किस तरह से और कब करना है, और आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि CNC मशीन पर कैन साइकिल कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कैन साइकिल के बारे में। दोस्तों ऐसे ही CNC के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए MacTech12 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कैन साइकिल क्या है। तो कैन का मतलब भी एक रेडीमेड यानी कि तैयार है, यानी कि तैयार साइकिल का हमें यूज़ करना होता है। CNC मशीन में एक रेडीमेड शॉर्ट कमांड दी जाती है जिसमें हम कुछ पैरामीटर इनपुट करके उस ऑपरेशन को हम बार बार चला सकते हैं, यानी कि एक बहुत बड़े लंबे प्रोग्राम को हम दो लाइन लिख के एक शॉर्ट कमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस साइकिल का जनरली यूज़ रिपीटेटिव कमांड यानी कि ड्रिलिंग और पॉकेट टर्निंग करना है, जबकि इस ऑपरेशन का हमें बार बार यूज़ करना है ऐसी कंडीशन में ज़्यादा किया जाता है। इस रेडीमेड साइकिल में कुछ पैरामीटर हम इनपुट करके उसे बार बार रिपीट कर सकते हैं, और जब तक हम उसे कैंसिल नहीं करते तब तक ये प्रोग्राम रिपीट होता रहता है। उसको ज़्यादा डेप्थ में समझने के लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैन साइकिल के टाइप्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दिखाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के कैन साइकिल दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम G71 स्टॉक रिमूवल साइकिल के बारे में देखेंगे। G70 फिनिशिंग साइकिल की जगह पे मैंने 71 साइकिल लिया है, क्योंकि 70 जो है वो फिनिशिंग साइकिल है और 71 स्टॉक रिमूवल साइकिल। तो पहले हम स्टॉक रिमूवल साइकिल देखेंगे तो 70 को समझने में थोड़ा आसान होगा, और ऑलवेज स्टॉक रिमूवल साइकिल चलाने के बाद ही 70 की फिनिशिंग साइकिल चलानी होती है। तो लिस्ट में दी गई सारी कैन साइकिल को हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ 71 स्टॉक रिमूवल साइकिल देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सवाल ये होता है कि G71 स्टॉक रिमूवल साइकिल का हमें यूज़ कब करना है और कहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में दिखाया कि जब भी हमें जॉब में ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करना है तब G71 स्टॉक रिमूवल साइकिल का OD और ID दोनों में यूज़ किया जाता है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रोफाइल के लिए G71 का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दिखाया कि स्टॉक रिमूवल साइकिल 71 को यूज़ कैसे करना है। G71 स्टॉक रिमूवल को दो लाइन में प्रोग्राम किया जाता है। पहली लाइन में आप देख सकते हैं G71 के साथ U और R की वैल्यू दी जाती है, दूसरी लाइन में G71 के साथ P, Q, U, W और F की वैल्यू दी जाती है। दोस्तों YouTube और वेबसाइट पे आपने स्टॉक रिमूवल 71 साइकिल के बारे में बहुत ही कुछ सुना होगा और देखा होगा। बहुत कम एग्जाम्पल दिए जाते हैं पॉकेट टर्निंग के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉकेट टर्निंग क्या है, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि पॉकेट टर्निंग 71 साइकिल को यूज करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या आपको एरर्स आएंगे और इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो भी मैंने प्रोग्राम और ड्राइंग के एग्जाम्पल आपको दिखाए वो सिर्फ देखने और समझने के लिए नहीं है, ये मशीन पे प्रूव किए गए हैं, और जो भी मैसेजेस, एरर और सॉल्यूशन दिखाए गए वो भी मशीन पर सॉल्व किए गए हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई स्टॉक रिमूवल साइकिल में प्रॉब्लम दिखता है तो आप प्रोग्राम करके एरर मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक ड्रॉइंग दिखा तो जिसमें हम आज स्टॉक रिमूवल साइकिल यूज करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये जॉब में एक पॉकेट टर्निंग करना है। दोस्तों पॉकेट टर्निंग यानी कि बड़े डायमीटर से छोटे डायमीटर तक जाना है और फिर बड़े डायमीटर तक जाना है, और G71 साइकिल में ये प्रोफाइल निकालने में थोड़ा दिक्कत रहता है। आप देख सकते हैं कि जॉब का हमारा पहला डायमीटर 20 mm है और अंडरकट डाया जो है वो 15 mm है, उसके बाद टर्निंग करते हुए फिर से 20 के डायमीटर पर जा रहे हैं। तो इस तरह के जब प्रोफाइल रहते हैं तब 71 साइकिल में थोड़ा दिक्कत रहता है, तो आज उसके बारे में हम डेप्थ में इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस ड्राइंग में मैंने दिखाया कि हमारा रॉ मटेरियल डायमीटर 32 mm है और टोटल लेंथ हमारी 31 mm है, जो कि हमारी वो रॉ मटेरियल की साइज है, और इस रॉ मटेरियल में से हम फाइनल शेप हमारा निकालेंगे स्टॉक रिमूवल साइकिल को जनरेट करके। अगर हम स्टॉक रिमूवल साइकिल का यूज़ नहीं करते और मैन्युअली कट हम लगाते हैं तो आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हमें कट कैलकुलेट करने होंगे, जो कि समझने के लिए मैंने यहाँ पे 5 कट लगाए। तो ये सब कैलकुलेशन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, इसीलिए ऐसे प्रोफाइल में हमें G71 साइकिल का यूज़ करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि 71 साइकिल के पैरामीटर कैसे सेट करने हैं। दोस्तों G71 स्टॉक रिमूवल साइकिल को दो लाइन में लिखी जाती है, और पहली लाइन में U देना होता है, और U में देना होता है हमें डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट और कटिंग स्पीड के बारे में अगर आपको डेप्थ में जानना है तो इससे पहले का वीडियो है। यहाँ पे हमें स्टॉक रिमूवल साइकिल चलाने में हर एक कट में कितना मटेरियल रिमूव करना है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे देनी है।
और वो मैंने यहाँ पे दिए 1.5 mm, यानी कि हर एक कट में डायामीटर हमारा 3 mm लेस होगा। दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल में आपने देखा होगा कि डेप्थ ऑफ कट में 2 mm 3 mm लिखा जाता है, जबकि 3 mm का मतलब है 6 mm डायामीटर रिड्यूस होगा। तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि हर एक कट में हम अगर 6 mm डायामीटर कट करने जाएंगे तो जॉब हमारा बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1.5 mm से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर जॉब के सारे पैरामीटर सही है तभी इतना डेप्थ ऑफ कट दिया जा सकता है। रेगुलर जॉब के लिए 1.5 mm 2 mm काफ़ी है, तो मैं यहाँ पे 1.5 mm डेप्थ ऑफ कट दूंगा। उसके बाद आर की वैल्यू 0.5 है, जो कि टूल रिट्रैक्शन है। दोस्तों ड्राइंग में मैंने दिखाया कि टूल रिट्रैक्शन क्या है। जब टूल हमारा कटिंग करते हुए जाता है और उसको रिटर्न आना है तो वो हर एक कट से कितना दूर जाना चाहिए उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे मैंने 0.5 दिया है, तो वो टर्निंग पूरा करके जब कट रिटर्न आएगा तब वो 0.5 mm दूर जाएगा और फिर वो नेक्स्ट कट लगाएगा। उसके बाद दूसरी लाइन G71 की, उसमें सबसे पहले हमें P की वैल्यू देना है, और P की वैल्यू में मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ द फिनिश प्रोग्राम। इसका मतलब है कि हमें ये साइकिल पूरी हो जाने के बाद हमारे जॉब का एक फाइनल पाथ लिखना है, और उसका जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें पी की जगह पे लिखना है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने हमारे जॉब के प्रोग्राम का फाइनल पाथ आपको दिखा है, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने N10 लिखा है, जो कि हमारे टूल का स्टार्टिंग पॉइंट है, और वहाँ से हमारा प्रोफाइल स्टार्ट होगा। उसी तरह से एक नीचे लाइन में आपको N20 दिखेगा, वो हमारे टूल का लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे हमारा जॉब का फाइनल प्रोफाइल पूरा होगा। तो जो हमने यहाँ पे N10 दिया है वो N10 हमारी P की वैल्यू बनेगा, यानी कि अगर हम N10 की जगह पे N100 लिखेंगे तो हमें यहाँ पे P में 100 लिखना है। उसी तरह से क्यू में प्रोग्राम का हमारा लास्ट ब्लॉक लिखना है, वहाँ भी अगर हम N20 की जगह पे N200 लिखेंगे तो हमें यहाँ पे क्यू की जगह पे 200 लिखना है। दोस्तों N नंबर हम कोई भी दे सकते हैं, और इसी से पता चलेगा कि P में क्या रखना है और Q में क्या रखना है, और मशीन को भी पता चलेगा कि प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। इसको समझने के लिए मैंने आगे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। उसके बाद की लाइन का पॉइंट है हमारा U, तो ये हमारी स्टॉक रिमूवल साइकिल है, और हमने प्रोग्राम ने डिफाइन किया होगा कि हमारा रफ टूल अलग होगा और फाइनल टूल अलग होगा। तो फाइनल टूल को कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे अलाउंस छोड़ना पड़ता है, यानी कि थोड़ा बहुत मटेरियल भारी रखना पड़ता है। तो फाइनल टूल के लिए हमें यहाँ पे कितना अलाउंस रखना है उसके लिए U और W दिया गया है। U में हमें X की वैल्यू यानी कि डायामीटर में कितना अलाउंस रखना है वो लिखना है, और W में हमें Z में कितना अलाउंस यानी कि लेंथ में कितना अलाउंस रखना है वो लिखना है। तो U की वैल्यू में आप देख सकते हैं कि मैंने 0.5 दिया है, और W में मैंने 0.1 दिया है, यानी कि लेंथ में हमारा 0.1 मटेरियल ज़्यादा रहेगगा फिनिश टर्निंग के लिए। दोस्तों यहाँ W में 0.5 या तो 1 mm नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि 93 डिग्री का हम टूल यूज़ कर रहे हैं तो फाइनल टूल हमारा लेंथ में 0.5 या तो 1 mm डायरेक्ट फिनिश नहीं कर सकता है। बहुत सारे एग्जांपल में आपने देखा होगा कि W में भी लोग 1 mm या तो 0.5 देते हैं, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद F दिया है, और F में हमें कटिंग फीड देनी है। रफिंग साइकिल चलाने के दरमियान हमें जो भी फीड रखनी है वो यहाँ पे हमें देनी है। तो ये थी दोस्तों हमारे G71 स्टॉक रिमूवल साइकिल के पैरामीटर की बात। अब दोस्तों मैं हमारे जॉब के लिए स्टॉक रिमूवल साइकिल जनरेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मशीन पे मैंने एक प्रोग्राम रेडी कर दिया, जिसमें सबसे पहले मैंने टूल नंबर लिखा है, और टूल नंबर में आप देख सकते हैं कि 2 नंबर के टूल के साथ मैंने 12 नंबर का टूल ऑफसेट यूज किया है, जबकि आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने स्पिंडल लिमिट डाल दी है, उसके बाद कटिंग स्पीड को ऑन कर दिया है G96 देके। उसके बाद मैंने G0 में X32 और Z1 दिया है। तो दोस्तों ये X32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वैल्यू जो रहेगी वो हमारे रॉ मटेरियल की साइज रहेगी। आपने हमारे रॉ मटेरियल की साइज देखी है 32 mm में, और उसी तरह से पहली लाइन में मैंने 32 लिखा है। उसके बाद जेड में मैंने Z1 दिया है, हमारी फाइनल फेस से थोड़ा दूर रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं G01 G42 यानी कि टूल नोज कंपेंसेशन दिया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि हम एक अंडरकट टर्निंग कर रहे हैं, और अंडरकट टर्निंग में अगर हमने 42 का यूज़ नहीं किया तो जिस तरह से मैंने ड्राइंग में दिखाया उसमें हमारा कटिंग साइज से ज़्यादा कटिंग हो जाएगा। इसीलिए जॉब को परफेक्ट बनाने के लिए 42 का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 42 दे दिया, उसके बाद Z0 दे दिया। Z0 से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके बाद जिस तरह से हमने पैरामीटर सारे देखे उसी तरह से G71 में मैंने U 1.5 दिया, R रिट्रैक्शन 0.5 दे दिया, G71 की दूसरी लेन में P में 10 दिया है, Q में 20 दिया है, U में मैंने 0.5 दिया है यानी कि X में अलाउंस हमने आधा mm रखा है, W में 0.1 दिया है यानी कि 0.1 का हमारा लेंथ में अलाउंस मिलेगा। अगर हमें स्टॉक रिमूवल में ही फाइनल जॉब को कटिंग करना है
तो यहाँ पे हमें U और W की वैल्यू जीरो रखनी है। अगर हम U और W की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जॉब हमारा स्टॉक रिमूवल साइकिल में ही फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हमें G70 फिनिशिंग साइकिल को चलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद फीड मैंने यहाँ पे 0.3 दे दी है जो कि रफिंग साइकिल के लिए बराबर है। अगर हमें यहाँ पे जॉब फिनिश ही करना है तो फीड को हमें 0.3 की जगह पे 0.15 या तो 0.20 करना होगा। G71 स्टॉक रिमूवल की दोनों लाइन पूरी करने के बाद हमें सबसे पहले फाइनल पाथ को लिखना है और फाइनल पाथ के पहले ही ब्लॉक में हमें N10 लिखना है क्योंकि P में हमने 10 वैल्यू दी है तो प्रोग्राम हमारा N10 से शुरू होगा। प्रोग्राम ने हमने G01 के साथ सबसे पहला पॉइंट लिखा है X10 जो कि हमारे जॉब की रेडियस का स्टार्ट पॉइंट है और उसी के साथ दे दिया मैंने Z0 यानी कि हमें Z0 की फेस से प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यूस ड्राइंग के हिसाब के सब कोऑर्डिनेट है जैसे कि G03 X15 Z-2.5 और R2.5। उसके बाद G01 Z-5.5 उसके बाद ड्रॉप रहेगा जो कि डायमीटर में जाएगा X10 Z-8 उसके बाद Z-13 उसके बाद फिर से टूल अप जाएगा X20 Z-18 उसके बाद Z-20.5 और लास्ट में दोस्तों N20 यानी कि ये हमारा फाइनल पाथ का लास्ट ब्लॉक हो गया और जो कि हमने Q की वैल्यू में डाला है और वो रहेगा G02 X30 Z-25.5 और R5। तो ये हो गई हमारे फाइनल ब्लॉक की लास्ट लाइन। उसके बाद टूल को हमें रिट्रैक ले लेना है यानी कि G70 को कैंसिल करके G0 X32 Z1 और G40 जो कि हमने 42 कंपेंसेशन किया था उसको कैंसिल करता है और उसके बाद हमारी होम पोजीशन और M30 देके हमने यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो ये बन गई हमारे इस जॉब की स्टॉक रिमूवल साइकिल। अब दोस्तों ये बन तो गया पर ये सही है कि नहीं उसको देखने के लिए हम उसका ग्राफ देखेंगे यानी कि मैं मशीन पर आपको स्टॉक रिमूवल साइकिल चला के दिखाता हूँ और हम ये भी देखेंगे कि हमारे इनपुट पैरामीटर के हिसाब से हमारे टूल का मूवमेंट कैसे रहता है। तो सबसे पहला हमारा ब्लॉक था प्रोग्राम में X32 और Z1। आप देख सकते हैं कि हमारा टूल पहले पॉइंट पे पहुंच गया है। उसके बाद हमने दिया था G1, G42, Z0 के बाद हमारी G71 साइकिल स्टार्ट होगी और हमने U में 1.5 दिया था यानी कि हमारा डायमीटर 3 mm माइनस होगा और हमारी रॉ मटेरियल साइज थी 32 mm। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 32 - 3 यानी कि वो डायमीटर हमारा बनेगा 29 पर हमें स्क्रीन में दिखा रहा है 29.5 क्योंकि G71 की साइकिल में दूसरी लाइन में U यानी कि X का अलाउंस हमने 0.5 mm रखा है तो मशीन आधा mm फाइनल के लिए अलाउंस छोड़ देगा और उसके हिसाब से कट कैलकुलेट करेगा। तो फर्स्ट हमारा रफिंग कट यहाँ पे होगा 29.5 और उसी तरह से जेड में 0.1 अलाउंस छोड़ दिया यानी कि Z.1। उसके बाद दूसरा कट हम देख सकते हैं 26.5 और 0.1 उसी तरह से पूरा साइकिल को कट करेगा। तो अब हम इस स्टॉक रिमूवल साइकिल का ग्राफ देखेंगे यानी कि सिमुलेशन देखेंगे और देखेंगे कि हमारा जॉब किस तरह से बनता है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मशीन हमारे पैरामीटर के अनुरूप किस तरह से कट को कैलकुलेट कर रहा है और अंडर कट भी अपने आप कैलकुलेट करके किस तरह से कट कर रहा है। ये सब कैलकुलेशन मैन्युअली करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है इसलिए G71 स्टॉक रिमूवल साइकिल का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों ग्राफ में हमने देखा कि स्टॉक रिमूवल साइकिल किस तरह से वर्क करती है। अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम के बारे में दिखाने जा रहा हूँ कि 71 साइकिल में कौन कौन से पैरामीटर को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले तो G42 के कमांड को अगर हमें यूज़ करना है तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम में पहले ही करना पड़ेगा। अगर हमने G42 को फाइनल पाथ में यूज़ किया जिस तरह से आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने अगर फाइनल पाथ में पहले ब्लॉक में यूज़ किया तो मशीन पर आपको कुछ इस तरीके का मैसेज दिख जाएगा। तो ये मैसेज ना आए और 42 का हम यूज़ कर पाए इसलिए जो प्रोग्राम में मैंने जहाँ पे पोजीशन दिखाई है 42 की वहीं पे हमें यूज़ करना है। अगर आपने N10 के ब्लॉक में G1 X10 दे दिया और अगर हमने वहाँ पे Z की वैल्यू नहीं दी है तो आपको कुछ इस तरीके का अलार्म दिख जाएगा जो कि आपको दिखा रहा है कि फिनिशिंग शेप इज़ नॉट ए मोनोटोनस चेंज। अब मैं दोस्तों दिखा रहा हूँ कि मोनोटोनस क्या है और इसको कैसे रिमूव करते हैं। 71 साइकिल के बहुत सारे एग्जांपल में आपने देखा होगा प्रोग्राम पाथ कुछ इस तरह से होता है यानी कि एक छोटे डायमीटर से हम बड़े डायमीटर तरफ जाते हैं और वो बड़े डायमीटर से और बड़े डायमीटर यानी कि हमारे टूल की मूवमेंट वो प्लस में ही रहती है। आप ड्राइंग में देख सकते हैं उसे मोनोटोनस प्रोफाइल कहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में जॉब है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली एक्स यूज कर सकते हैं पर हमारे यहाँ जॉब का शेप नॉन मोनोटोनस है यानी कि पहला बड़ा डायमीटर उसके बाद छोटा डायमीटर और फिर बड़ा डायमीटर। तो ये हमारी साइकिल टाइप 1 टाइप की होगी। CNC मशीन में दो टाइप की साइकिल दी जाती है टाइप 1 और टाइप 2। अगर हमारा प्रोफाइल नॉन मोनोटोनस हो गया तो हमें टाइप 2 साइकिल का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट G01 के साथ एक्स नहीं लिखेंगे पर उसके साथ हमें Z0 की वैल्यू का यूज करेंगे। अब वो Z0 उससे पहले हमने दे ही दिया है प्रोग्राम में पर साइकिल को टाइप 2 चेंज करने के लिए सिर्फ हमें यहाँ पे देना पड़ेगा।
भले ही वो जेड वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर हम यहाँ पे जेड जीरो लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली टाइप टू साइकिल हो जाएगी और आपके नॉन मोनोटोनस का अलार्म निकल जाएगा। तो दोस्तों G71 स्टॉक रिमूवल साइकिल में दो तीन पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंस थे जो कि मैंने यहाँ पे समझा दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आज के वीडियो के लिए आप लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको G72 फेसिंग साइकिल और G70 फिनिशिंग साइकिल दोनों एक साथ एक वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल ही देखना ना भूलें और आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।